You are watching Poonch Live. मैं मोहम्मद तनवीर, सीईओ पूंछ वेलमेंट 30, जो हमारी टूरिज्म की पूंछ है। मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। तो हमारा यहाँ का जो प्रोग्राम है, तो आज हम भी एक टूरिस्ट स्पॉट जब भी है वहाँ पर एक फोक फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें हमें ट्रैकिंग है। यहाँ पर हम जो डिफरेंट कल्चर प्रोग्राम्स है, हमारा लोकल फोक है, उसको प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ रखा हुआ है। साथ में हमारा यहाँ क्रिकेट का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और साथ साथ में हमने एक हॉर्स राइडिंग का भी रखा है। और अलग अलग जो सीनिक व्यू हैं उनको भी देखना है। हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खास कर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा पार्टिकुलर है, वो बड़ा पार्टिकुलर फोकस है उसका, कि जो भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनको टूरिज्म मैप में लाया जाए, ताकि हमारा ये चीज़ें एक टूरिज्म मैप आए और यहाँ पर बूस्ट हो, लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो। जी, आज हमने ज़िला पुंछ के तहसील मंडी में हमारे अढ़ाई इलाके से ऊपर एक बहुत खूबसूरत मेडो है जिसका नाम जबी तूती है। तो यहाँ हमने एक स्पेशल टूरिज्म फेस्टिवल रखा था जबी वीरसा फोक फेस्टिवल के नाम से। ये इलाका बेसिकली 4-5 पंचायतों के ऊपर आता है। इधर मंडी की तरफ से अढ़ाई पीना और अढ़ाई मलका, और सुरनकोट की तरफ से हाड़ी मुड्डा और बाकी कुछ ऐसे इलाके जुड़े हैं। और ये एक बहुत ही वास्ट मेडो है। तो इस जगह टूरिज्म प्रमोशन एक बड़ा एक्टिव इशू था और इम्पोर्टेंट इशू था। और इधर हमने फिलहाल 3 प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के व्यू पॉइंट्स और कुछ उनके कुछ उधर लैंडस्केपिंग भी होनी है। व्यू पॉइंट्स फिलहाल कम्प्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा एक ट्रैकिंग बेस कैंप बन रहा है, RNB इज एग्जीक्यूटिंग इट, एंड जिनके स्पोर्ट्स काउंसिल का एक प्लेग्राउंड यहाँ बन रहा है, स्टेडियम रादर। सो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस फेस्टिवल को सालाना एक आइटम बना दें, और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं नीचे अड़ाई में वो हम कंप्लीट करें। जी ज़रूर, ये तो बड़ा माइनर सा अटेम्प्ट था, होपफुली इन दिस कमिंग मंथ्स, बिकॉज ये इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, तो हम कुछ नेशनल लेवल फेस्टिवल रखेंगे। जी, ताजी अख्तर, TDC चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से। जी, देखिए, सबसे पहले मैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ मैं यहाँ अढ़ाई के लोगों की को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आज जो हमारा यहाँ पे जब्बी तोती ट्रैकिंग थी, उसके साथ साथ यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम रखे गए। यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हर डिवीज़न से जो है हमारी यूथ ने हिस्सा लिया है इस ट्रैकिंग में। बहुत सारे नौजवान जो है यहाँ आए हैं हमारे साथ, और अढ़ाई के जितने भी लोग हैं, इलेक्टेड हों या ऐसे भी जितने भी लोग हैं, सब ने बहुत अच्छा हमारे साथ कॉपरेट किया। जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं लोग, सबको कॉपरेट किया। यहाँ पे रास्ते में अगर कोई चीज़ देखी जाए या हमें कहीं भी सफ़र का कोई भी पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे 2.5-3 घंटे की ट्रैकिंग है। तो उसके साथ साथ मैं डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर, यहाँ की खूबसूरती देखने को हम सबको मिली। बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ जब्बी तोती। और मैं सबको यही कहती हूँ कि जितने भी बाहर के भी जितने भी लोग हैं, कि जितना भी है, यहाँ पे ज़रूर आए पूंछ में, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह आपको मिलेंगी देखने को। तो बाकी हमारे जो यहाँ पे कुछ मसले हमारे लोगों ने रखे हैं हमारे सामने, रोड कनेक्टिविटी को देख के या कुछ पानी के भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, और ऑनरेबल LG साहब से भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ लोगों को जो है रोड दी जाएगी, पानी जिन लोगों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है वहाँ, उन लोगों के घरों में पानी भी पहुँचाएंगे। जी, ज़रूर, यहाँ पे जो है टूरिस्ट हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के CEO भी साथ हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, DC हैं, SSP सभी साथ आए हुए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे टूरिज़्म मैप में लाया जाएगा, इसको यहाँ पे हट बनाए जाएंगे, ताकि कुछ रहने के लिए भी ऐसा कुछ बनाया जाएगा, कैंप वगैरह बनाए जाएंगे कि जहाँ पे हमारे टूरिस्ट जितने भी आए उनको कोई मुश्किल ना आए यहाँ पे स्टे करने के लिए भी।